ओम शांति। 5 जुलाई की शुरू धन्यवाद का स्वागत है। परमात्मा पिता कहते हैं कि महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा बाबा। यह महसूसता की शक्ति बहुत मीठा अनुभव कराती है। महसूस क्या करना है वो हम समझेंगे। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा, अब कोई लौकिक पिता कहते हैं कि तुम तो मेरे आँखों का तारा हो, मतलब कि तुम बहुत ही प्यारे हो, तुम मैं जैसे चाहता हूँ वैसे ही तुम हो, वैसे ही तुम सोचते हो, वैसे ही तुम बोलते हो, वैसे एक्ट करते हो, तो हम बन जाते हैं फिर परमात्मा का भी नूरे रतन, मतलब कि परमात्मा के भी नूर रूपी उनकी आँखों का हम रतन बन जाते हैं। रतन तो वही होता है जिसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। तो परमात्मा कहते हैं कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो कि मैं परमात्मा के नैनों में समाई हुई हूँ, परमात्मा मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं जैसी हूँ जो हूँ बहुत ही अच्छी आत्मा हूँ और मैं परमात्मा के नक्शे कदम पर चल रही हूँ, इसलिए उनकी आँखों में आँखें डाल करके देख पा रही हूँ। कौन सी आँख? तीसरे नेत्र से। तीसरे नेत्र में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करें। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, बाप दादा ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर शिव बाबा आए हुए हैं और उनके मस्तक पर चमकने वाली मैं मस्तक मणि, मैं भी उनके साथ में हूँ, कंबाइंड हूँ। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड ब्राह्मण समझना अपने आप को कि मेरा कर्तव्य परमपिता परमात्मा ने बताया है कि मुझे ब्रह्मा बाबा के जैसे अन्य आत्माओं की भी सेवा करनी है। ब्रह्मा की भुजाएँ महसूस करो, हेल्पफुल सोल्स, भुजा मतलब मजबूत पावरफुल हेल्पफुल सोल्स। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो, अव्यक्त जो कि इस दुनिया व्यक्ति से व्यक्ति आया, अव्यक्त मतलब व्यक्ति ना होना मतलब कि आत्मा स्वरूप में होना, तो अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो कि मैं इस दुनिया की बातचीत से दुनिया के जंजालों से मैं उपराम हूँ कुछ समय के लिए और परमात्मा के साथ में अपना समय व्यतीत कर रही हूँ कुछ समय के लिए, जिसको हम कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे, फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा। अगर आप किसी परफेक्ट फोटोग्राफ के सामने कोई इम्परफेक्ट फोटोग्राफ रखते हैं तो आपको पता चलता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम, क्या पर क्या गड़बड़ है। उसी तरीके से परमात्मा एक परफेक्शन है, उनके सामने जब हम जाते हैं अपने आप को देखते हैं तो हमें अपने अंदर की कमी कमजोरियाँ भी दिखती हैं, क्या चेंज करना है और हमारे अंदर क्या गुण हैं परमात्मा भर रहे वो भी हमें समझ आता है, तो फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। ओम शांति।